इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हरदोई जिले के थाना माधवगंज चौकी पुरसठ मोहल्ला आजाद नगर में दो सगे भाइयों के बीच आपसी मतभेद के चलते गाली गलौज करने पर जयराम अपने बड़े भाई खिलावन की पुत्री को नशे की हालत में गंदी गंदी गालियां देने लगा, जिस पर खिलावन ने विरोध किया तो जयराम ने आवेश में आकर लाठी से वार कर दिया। खिलावन लहूलुहान हो गया। घर वालों ने आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर खिलावन की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक खिलावन की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा, दोषी जो है इस समय कहां पे हैं? जो अंदर ही पुलिस ने तुरंत उनको उठा ले गए थे। तो पति पत्नी को दोनों को ले गई है? पत्नी ले गए जब मरी गए, पत्नी को ले गए जब मरी गए, घटना है पता चलो तब ले गए, तब पुलिस हटी नहीं आते। अच्छा, पुलिस नहीं आती, सब मौका पर रहे। अब जब फोन ना हो कि खत्म हो गए सब जन हटी में कोशिश की थी, दाई भाई पुलिस हटन नहीं दी। कल चादर ले करना, चादर नहीं लेने जाओ, यही खड़ी रहो, हटन नहीं दिन लोग खड़े रहे। पुलिस वाले मोहल्ला गांधी नगर का है, जहां पर आज शाम दो सगे भाइयों में जिसमें क्रमशः राम खिलावन एवं जयराम के बीच घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी हो रही थी। उसी क्रम में राम खिलावन द्वारा लाठी उठाकर जयराम के सिर पर मार दिया गया, जिससे वो घायल हुए। उनको तत्काल परिजन द्वारा नजदीकी CHC में लाया गया, जहाँ पर उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें मृतक की पत्नी द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसमें पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई।